हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन एस अकेडमी आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट सेट थ्री का पार्ट टू करने वाले हैं इससे पहले मैंने फिफ्टी क्वेश्चंस डाल दिए हैं अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लेना इसमें हम पार्ट टू करने वाले हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 8 पीएम डेली क्विज होता है एमएनएस के लिए तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो ओके सबसे पहला क्वेश्चन है फिफ्टी वन विच टेक्नीक इज़ यूज सेपरेट द सब्स्टांस फ्रॉम मिक्सचर फिफ्टी वन से इसलिए बिकॉज फिफ्टी हमने पहले ही डाल दिया है ठीक है अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना इसका पार्ट वन ये पार्ट टू है इसलिए फिफ्टी वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन है विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट द सब्स्टांस फ्रॉम अ मिक्सचर कौन सी टेक्निक यूज होती है किसी सब्स्टांस को सबस्टेस में से आ, किसी मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए ठीक है क्रोमेटोग्राफी रेसिंग फोर्जिंग एसेम्बलिंग none ऑफ these आपको जो करेक्ट लग रहा है उसको अपनी कॉपी में लिख के रखो और बाद में आपको अपने मार्क्स भी कमेंट करने हैं ओके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका एक्सप्लेनेशन है क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू ऑफ अ मिक्सचर पासिंग एट द सोलूशन और द सस्पेंशन थ्रू द मीडियम इन विच कॉम्पनेट मूव इन डिफरेंट रेट तो क्रोमेटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं किसी सोल्यूशन या सस्पेंशन के थ्रू और जो मिक्सचर सुटेबल होते हैं क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन से वो सब होते हैं इंक डाइस कलर एजेंट इन फूड ठीक है ये मिक्सचर्स होते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वट इज़ बोरन बोरन क्या है एक नॉन मेटल मेटल कंपाउंड या मेटेलाइड आपको जो आंसर लग रहा है प्लीज़ उसको मार्क करके रखो अगर आपको मेरा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो ठीक है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्या है एक मेटेलॉयड है ठीक है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है आप एक बार इसको रीड कर लेना मैं सबका एक्सप्लेनेशन बताते जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नेक्स्ट है फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर इनमें से कौन सा मिक्सचर है डिस्टिल्ड वाटर gasoline both A ए B बी नॉर ए B बी तो इसमें से कौन सा मिक्सचर है आपको वो बताना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू और मोर एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड when mixed इन एनी पोर्शन सो दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ component डू नॉट चेंज देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर कोई दो या उससे ज्यादा कमाउंट को जब हम लोग मिक्स करते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती तो अब हम उसको मिक्सचर बोलते हैं तो गैसोलीन क्या है एक मिक्सचर है नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ इज रिलेटेड टू विथ स्टेट ऑफ मैटर बॉयल्स लॉ किस चीज़ के लिए है कौन से स्टेट ऑफ मैटर के लिए है ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट ऑप्शन बी है लिक्विड स्टेज ऑप्शन सी है गेशियस स्टेज या नन ऑप्तिस तो आपको जो करेक्ट लग रहा है प्लीज लिखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है गेशियस स्टेट तो बॉयज लॉ होता है गेशियस स्टेट्स uh, के लिए ठीक है एक्सप्लेनेशन है बॉयज लॉ द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गैस ऑन अ स्टेबल हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम यह है बॉयज लॉ अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथिस फोटोसिंथसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है जनरेशन ऑफ ए टी पी फॉर्मेशन ऑफ एन ए डी पी एच थ्रू लाइट एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओके थ्रू लाइट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स एंड फोटोसेंथिसिस प्रोसेस हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी पी एच एंड ए टी पी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते ठीक है पर ये यह यहाँ दिया हुआ है तो इसको कर लो ऑप्शन देख लेते हैं थ्री ए टी पी एंड टू एन ए डी पी एच सिक्स ए टी पी सिक्स एन ए डी पी एच ट्वेल्व ए टी पी एटीन एन ए डी पी एच एटीन ए टी पी ट्वेल्व एन ए डी पी एच इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मत पढ़ना बिल्कुल भी ठीक है बहुत ही जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो टेंथ वाले लेवल के होते हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन थोड़े तो डिफिकल्ट होते हैं बट ज्यादातर ईजी ही होते हैं उसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ठीक है अगला है फिफ्टी सेवन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ए डी पी एन ए डी पी से आपको क्या समझ आता है एन ए डी पी क्या होता है इट्स एन एंजाइम इट्स एन को एंजाइम अ पार्ट ऑफ एस आर एन ए अ पार्ट ऑफ टी आर एन ए तो एन ए डी पी क्या है अ पार्ट ऑफ आर एस आर एन ए ठीक है अ पार्ट ऑफ एस आर एन ए तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है फिफ्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन ऐसे कौन से सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हो रही है ठीक है ये एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि एवोल्यूशन हो रही है होमोलोगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन फॉजल या ऑल ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी से ठीक है होमोलोगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉजल इन सभी से हमें पता चलता है कि पहले ऐसा था और अब ऐसा होते जा रहा है ठीक है तो ये सब एक एविडेंस जैसा वर्क करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है आप इसको एक बार पॉज करके रीड कर लो अगला है फिफ्टी नाइन द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज बाय ये जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ ये किसने प्रपोज की थी हेल्डन स्टैनली मिलर हेरोल्ड सी यूरे या लैमार्क तो ये की थी ऑप्शन ए करेक्ट है हेल्डन ठीक है एक्सप्लेनेशन है द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रपोज बाय हेल्डन वॉज कन्फर्म बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनली एंड मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे तो इसने ये प्रपोज किया था पर एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने किया था ठीक है और इन्होंने कन्फर्म किया था उससे अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन द होस्ट सेल रेप्लीकेशन ऑफ आर एन ए वायरस टू प्लेस इन होस्ट सेल में आर का रेप्लीकेशन वायरस के आर का रेप्लीकेशन कहाँ होता है न्यूक्लियस में में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रल में तो ये कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रीड कर लेना आप नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन अ वायरस इज मेड अप ऑफ अबोट डी एन ए और आर एन ए जीनोम इन साइड अ प्रोटीन शेल नोन एस बेसिकली इसमें क्या पूछा है कि उसके प्रोटीन शेल को क्या बोलते हैं कैसपेड होस्ट एनमलअप या जॉम्बीस तो उसको हम बोलते हैं कैसपिड्स ओके एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन फॉर दिस क्वेश्चन डू रीड इट ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच डिजीज ऑफ अ प्लांट इज नोन एज रिंग डिजीज कौन सा डिजीज है जिसको रिंग डिजीज बोला जाता है सिट्रस कैनकर ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन विल्ट ऑफ पटैटो या नन ऑफ दीज तो ये प्लांट डिजीज के बारे में है जो कि एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया हुआ तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत रेयरली ही देखने को मिलेंगे आपको ठीक है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल्ट ऑफ पटैटो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है किस बैक्टीरिया से होता है उसी के ऊपर नाम रखा गया है ये अगला है सिक्सटी थ्री नीम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटीरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेमब्रेन बुलाए उस प्रोसेस का नाम बताना है हमें जिसमें इंजेक्शन की जाती है किसके थ्रू प्लाज्मा मेमब्रेन के थ्रू तो इसको क्या बोलेंगे इंजेक्शन डिफ्यूजन ऑसमोसिस या एंडोसाइटोसिस तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ठीक है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट सिक्सटी फोर द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट इसल इट्स वेरी सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है ये मोलालिटी नॉर्मैलिटी या फॉर्मैलिटी तो इसको बोलते हैं हम मोलालिटी ठीक है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आप लोग प्लीज पॉज करके ट्राई करो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो बट ट्राई करते रहो साथ में ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डू नॉट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें से कौन सा फूड है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता रॉ कैरेट सॉल्टेड ऑनियंस रीफ्राइड बीन्स या कुक्ड राइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉ कैरेट्स ठीक है जो कच्ची चीज़ें होती है ज़्यादातर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ सपोर्ट नहीं हो पाता हम पका देते हैं उसके बाद खाना कितने जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर हम किसी चीज़ को कच्चा छोड़ें तो ऑलमोस्ट वो एक वीक तक चल जाता है ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स आईडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट आइडीन टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल ये बहुत ईजी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे मैं नहीं बता रही इसका आंसर ठीक है सिक्स क्लास में आयोडीन टेस्ट पढ़ा है सब ने तो आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताना सिक्सटी सेवन विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल्स इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है दे आर फाउंड इन ऑल यू कैरियोटिक सेल्स दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे कॉर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल्स दे आर स्म साइज एंड मोस्टली इंटरनल तो इसका जो भी करेक्ट लग रहा है लिखो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये क्या है नॉट करेक्ट है मतलब ये नहीं पाए जाते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ठीक है नॉट करेक्ट पूछा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट वट इज़ ए आर डी एस आई ए आर डी एस आई क्या होता है ऑप्शन ए है अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया एक्ट रिलेटेड टू डेमेंटिया सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन अल्जाइमर एंड रिलेटेड डेमेंटिया सिम्टम ऑफ इंडिया या नन ऑफिस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं ए आर डी एस आई ठीक है ये गवर्नमेंट की प्लान एंड पॉलिसी है जो हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑप्शन ए है हिसोइड ऑप्शन बी है हिपोक्रेट्स ऑप्शन सी है बोथ ए एंड पी और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन एमीबा एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है किस प्रोसेस से होता है डिफ्यूजन इन्फ्यूजन फ्यूजन यूरिकॉटलिक या नन ऑफ दीस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है डिफ्यूजन के थ्रू होता है नेक्स्ट है सेवेंटी वन गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है क्या रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किडनी लंग्स ब्लड्स या यूरेटर इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी लंग्स लंग्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड आर एक्सक्रीटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है एमोनिया यूरिक एसिड यूरिया ऑल ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज देखो ये चीज याद रखने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है सिर्फ ह्यूमन नहीं बोला ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज बाई कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कौन से वेव्स यूज होते हैं ये पूछा है रेडियो वेव लेजर इंफ्रारेड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड वेव्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग फॉर ऑल कन्फाइंड फायर कौन सी गैस सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है हर तरीके के फायर को बुझाने के लिए ठीक है नाइट्रजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री केमिस्ट्री के मॉडर्न फादर के नाम से किए जाना जाता है कॉलवी होलर लेविटिए या पैस्चर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेविटिए ठीक है सेवेंटी सिक्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियम एटी एट टू ट्वेंटी सिक्स आर ये जो रेडियम का है इसमें कितने न्यू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये हमसे पूछा है वन थर्टी एट एंड एटी एट एटी एट एंड वन थर्टी एट टू ट्वेंटी सिक्स एंड एटी एट एटी एट एंड टू ट्वेंटी सिक्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं और इतने प्रोटॉन्स होते हैं सेवेंटी सेवन वट इज द शेप ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल इथिलीन मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है लीनियर टेट्राहीड्रिल ट्रायंगल ट्रायंगुलर या हेक्टोहेड्रल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोप्लेनर ट्राइंगुलर ठीक है नेक्स्ट इज सेवेंटी एट द हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सिस रिडक्शन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजनेशन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है ऑक्सीडेशन से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन हैज प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर किस में क्लोरीन में जो प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर है ये पूछा है हाइपोक्लोरस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड या क्लोरीन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोक्लोरस एसिड क्वेश्चन नंबर एटी। डिफ्यूजन इन अ लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ तो इसका एक एग्जांपल बताने बोला है ऑप्शंस है स्मेल ऑफ परफ्यूम स्मेल ऑफ फूड स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन अ वाटर या फ्रेगरेंस ऑफ इनसेंसटिक इंस्टेंसटिक क्या होता है अगरबत्ती जो होती है ना उसको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो इसका करेक्ट आंसर है सी क्योंकि क्या बोला है इन अ लिक्विड तो लिक्विड यहाँ पे क्या है सिर्फ वॉटर ही लिक्विड है ना तो स्प्रेड ऑफ अ इंक इन लिक्विड या वॉटर क्वेश्चन नंबर एटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन एक्विज सोल्यूशन हैविंग पी एच ऑफ ऑलमोस्ट सेवन इनमें से किसका कौन से सॉल्ट का एक एक्व सोल्यूशन जो होगा वो पी हमें सेवन तक देगा सोडियम कार्बोनेट अमोनियम नाइट्रेट पोटाशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोटाशियम क्लोराइड ओके नेक्स्ट इज 82, टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड की नहीं है सॉलिबिलिटी इन वाटर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन स्टेट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ठीक है हाई मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है आई कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये नहीं है सो एक्सप्लेनेशन याद आया है आइन ए आर सॉलिबल इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयोनिक इन नेचर इसमें से कौन सा कंपाउंड आयोनिक नहीं है नेचर में लिथियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ठीक है कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड ये नहीं है आयनिक नेचो में ठीक है एक्सेप्ट दिस सारे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं नेक्स्ट है एटी फोर आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ईथर एल्कोहल केरोसिन या वाटर ये जस्ट अभी हमने किया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाटर ठीक है तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉलीबल होते हैं बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें इनसॉलिबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जैसे कि ईथर एसटॉन अल्कोहल कैरासिन ईटीसी ओके नेक्स्ट इज एटी फाइव नेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करेंट इन एम्पेयर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करेंट को मेजर करता है एल्टीमीटर ऑडियोमीटर एम मीटर या एरोमीटर। वेरी इजी। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी एम मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी सिक्स नेम अ डिवाइस यूज फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है ये डिवाइस तो इसको क्या बोलते हैं बोलोमीटर बैरोमीटर बाइनाकोलर या बैरोग्राफ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाय नेक्स्ट है एटी सेवन वन ओम इज इक्वल टू वन ओम किसके इक्वल होता है वन वोल्ट बाय वन एम्पेयर वन वोल्ट बाय वन कलम वन वोल्ट इंटू वन एम्पेयर या वन वोल्ट इंटू वन कलम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है वन वोल्ट बाय वन एम्पेयर नेक्स्ट एटी एट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करेंट इट्स लेंथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ये होता है ठीक है इसको देख लो एक बार अगला है एटी नाइन रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एफेक्टेड बाई टेम्परेचर इनमें से किसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ऑप्शन ए है मैगनानियम बी है कॉन्सटैंट सी है नाइक्रोम या डी ऑल ऑफ डीज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ डीज ठीक है नाइक्रोम के जो वायर्स होते हैं इसको बहुत अच्छा भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि उस पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता अगला क्वेश्चन नंबर नाइनटी नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन स्क्रीन पे किस टाइप के इमेज आ सकते हैं वर्चुअल रियल डाइवर्जेंट या कॉन्वर्जिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रियल नेक्स्ट इज बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट बटर पेपर किस चीज़ का एग्जाम्पल है ठीक है अ ट्रांसपेरेंट अ ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक या ल्यूमिनस ये सब भी बहुत ही पहले आपने पढ़ा होगा ल्यूमिनस क्या होता है ओपेक क्या होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसल्यूसेंट ठीक है ट्रांसल्यूसेंट ऐसे होते हैं जिससे हमें हल्का हल्का दिखता है क्लियरली नहीं दिखता ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे हमें क्लियरली पूरा दिख जाए ओपेक वो होते हैं जिससे हमें कुछ भी ना दिखे और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो शाइन करते हैं नेक्स्ट है नाइन्टी टू अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है अ स्लाइड प्रोजेक्टर इन अ सिनेमा हॉल द ऑर्डनरी कैमरा अ सिंपल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ठीक है या थ्री अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल इमेज एक सिंपल माइक्रोस्कोप से भी फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 थ्री हाइपोमेट्रोपिया इज रेक्टिफाई बाय यूजिंग हाइपोमेट्रोपिया कैसे करेक्ट हो सकता है ये क्या है हाइपोमेट्रोपिया एक आई डिजीज है ठीक है कन्वेक्स लेंस कंकेव लेंस सिलेंड्रिकल लेंस या प्रोग्रेसिव लेंस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस नेक्स्ट नाइन्टी फोर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड अपॉन साउंड की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में वो किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम तो ये डिपेंड करती है पूरी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे ठीक है तो डी या फोर्थ वन इज करेक्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव द टेक्निक यूज बाय बैट टू फाइंड द वे और टू लोकेट फूड इज जो बैट्स होते हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं अपना खाना या अपना रास्ता लोकेट करने के लिए सोनार रेडार इकोलोकेशन लोकेशन या फ्लैपिंग तो वो जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इको लोकेशन ठीक है So option C is the correct answer. Last few questions, guys. The resultant of action and reaction force is dash kya hoga? greater than 0, less than 0, 0, yeah, none of these. This is the correct answer hai? Option A. Greater than zero. Next one is question number 97. The type of energy possessed by a सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन इज जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो वो उसकी किस टाइप की एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी या साउंड एनर्जी तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाइनटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेमी कंडक्टर इसमें से कौन सा यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर्स में एलमुनियम कॉपर सिलिकन या नन ऑफ दीज तो सेमी कंडक्टर में यूज होता है सिलिकन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज एक फ्री इलेक्ट्रॉन का कैसा पाथ होता है मेटल्स में पैराबोलिक सर्कुलर स्ट्रेट लाइन या जिग्जैक इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जिग्जैक ठीक है वो किसी भी पाथ में मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन दर इज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द वायर द पार्टिकल मूविंग आर डैश इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटम्स या आयन तो कौन से पार्टिकल वहाँ मूव कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी हमने पढ़ा ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होती है वायर से तो उसमें क्या मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग